तो सभी भाइयों को मेरी ओर से राम राम। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने जो खास चीज़ दिखाई है वो है अपने मारुति इको के विंडशील्ड वॉशर। तो गाइस, अपने यूट्यूब पर मुझे एक भी वीडियो नहीं मिली है मारुति इको के विंडशील्ड वॉशर को क्लीन करते हुए या रिपेयर करते हुए। तो गाइस, मैंने ये वीडियो खास पर्पज़ से बनाई है। तो गाइस, जो ये अपनी विंडशील्ड वॉशर की जो टंकी होती है पानी की, जिसमें हम पानी डालते हैं, इसमें बहुत सा कचरा आ जाता है जो कि हमारे विंडशील्ड वॉशर को यहाँ से जाम कर देता है गाइस, जो कि एक बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है। अगर कहीं हम बारिश में या कहीं भी डस्ट वाले एरिया में अपने शीशे को साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो इसमें से हमारे वाटर जो सप्लाई है वो हो जाती है ब्लॉक, और यहाँ से वाटर नहीं आ पाता है जो विंडशील्ड वॉशर होते हैं, और जिसके कारण हम अपना शीशा साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, बहुत से लोग इसको यहाँ से खोलने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है, जिसके कारण हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, ये टूट जाते हैं। तो गाइस, ये आज पूरा खोलने का प्रोसेस हम आपको समझाएंगे। तो गाइस, ये वाला जो है अपना वॉशर, ये तो अपना ठीक था, बट जो अपना राइट वाला वॉशर है वो हो चुका था अपना बहुत ही ज़्यादा जाम। तो गाइस, जो अपना पुराना तरीका होता है सुई से हम इसको साफ़ करते, तो मैंने भी इसको सुई से साफ़ करने की कोशिश की, बट ये ज़्यादा जाम था, और जो गाइस सुई बहुत ही ज़्यादा बारीक थी, जो कि इसी के अंदर उसका टुकड़ा, सुई का टुकड़ा टूट गया है। तो गाइस, मैंने भी इसको यहाँ से खोलने की कोशिश की, बट ये नहीं खुला, तो मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं की। मुझे पता था कि इसमें अंदर लॉक होंगे, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। गाइस, ये लॉक इस तरह से हैं जो कि आपको अंदर से पूरा खोल के ही इसको खोलना पड़ेगा। अगर बाहर से हम ज़्यादा कोशिश करेंगे तो ये टूटने की संभावना ज़्यादा है। तो गाइस, अपने को नॉलेज ज़्यादा है, तो हमने इसको पूरा पार्ट जो है आगे से खोल लिया है। तो ये अपनी जो पाइप लाइन है, जो ये भी कई बार जाम हो जाती है, बट गाइस पाइप की जो वो है, एक वो लेंथ थोड़ी मोटी है, तो उसके कारण पाइप में सारा का सारा कचरा आगे वॉशर में आके जमा हो जाता है, जो कि जिसके कारण ये हो जाते हैं जमा। तो गाइस, इसको वॉशर को हम करते हैं अभी क्लीन। तो आपको बताता हूँ पहले कि ये पार्ट जो भी जितने पार्ट है उसको कैसे खोलेंगे, कैसे उसको क्लीन करेंगे और कैसे उसको बाद में फिट करेंगे। तो गाइस, ये यहाँ से पहले आपको पाँच जो लॉक है वो खोलने पड़ेंगे। तो गाइस, लॉक मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का एक लॉक है। तो गाइस, ये लॉक होते हैं जो कि आपके नॉर्मली खुलते नहीं हैं, आपको अंदर से हाथ या कुछ पेचकस या कुछ भी पार्ट देके इसको पुश करना पड़ेगा, जिसके कारण ये बाहर आ जाएंगे। तो गाइस, एक ये देख लीजिए आप, लॉक इस तरीके से कुछ ये लगे हुए थे। तो इसमें जो है आपके इस तरीके से जो लॉक फंसे हुए होते हैं गाइस, वैसे तो ये लेफ़्ट करके इसमें घुसे होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे करके बस, बट इसको पूरा ही निकालना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा ये विंडशील्ड के ऊपर जो ये पार्ट होता है, ये लेफ़्ट टू राइट नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमें इसे पूरा ही खोलना पड़ता है। तो गाइस, अब इसमें पाँच लॉक है जो हमने सारे खोल लिए है, और इसके बाद जो अपना प्रोसेस है वो है इसको क्लीन करने का। और सबसे पहले आपको वाइपर खोलने पड़ते हैं वैसे तो, उसके बाद ये पार्ट के पांच लॉक खोल के ये आ जाता है बाहर। तो अब इसको यहाँ से अंदर से हम खोल सकते हैं इजीली, तो इसके पाइप को जो हटा के और वॉशर जो है वो बाहर आ जाएगा इजीली। तो गाइस, एक हाथ से मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो यहाँ नेक्स्ट से वीडियो में लॉक आपको खोल, बताता पाइप हूँ। हटाने के बाद और लॉक खोलने के बाद अपना वॉशर आ चुका है बाहर। और अब देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ी सी जगह अपने को ज़्यादा दिख रही है, तो मेरे ख्याल से आपको ये दिख भी रही होगी चमकती हुई चीज़, वो शायद सुई का एक टुकड़ा है टूटा हुआ है जो। तो यहाँ से हम पाइप का प्रेशर मारेंगे, तो यहाँ से इसका जो जितना भी गंद है, कचरा है, वो निकल जाएगा। साथ ही साथ अब की बार हम इसे भी क्लीन कर देंगे, क्योंकि ये बार बार नहीं खोलेंगे हम। तो दोनों को अच्छे से क्लीन करके और फिर लास्ट का आपको दिखाते हैं कि कैसा कुछ रिजल्ट आया है। तो गाइस, ये है मारुति सुजुकी इक्को जो अपनी है, उसका वॉशर जो कि बाहर से नहीं खुलता है, पहले इसको पूरे पार्ट को खोलना पड़ता है, उसके बाद ये खुलेगा, क्योंकि जो ये लॉक्स है इसके, ये ऐसे नहीं खुलने वाले, ये अंदर से नहीं खुलते हैं, बाहर से नहीं खुलते, सॉरी, अंदर से ही खुलते हैं। और ये है अपना, यहाँ पे पहले दो यहाँ पे आपको वाइफर्स खोलने हैं, पाँच लॉक खोलने हैं यहाँ से, उसके बाद आपका ये पार्ट बाहर आ जाएगा, उसके बाद आप इसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं। मेरी मोटर ठीक है, मैंने यहाँ से उसका प्रेशर हटा के चेक कर लिया है, यहाँ से कोई ब्लॉकेज नहीं है, ब्लॉकेज जो है वो मेन इसमें है। तो गाइस, चलिए इसको करते हैं। तो गाइस, दोनों ही वॉशर जो विंडशील्ड वॉशर है वो हमने कर लिए साफ़ इसमें से निकाल के, और ये देखिए अपनी डुग्गू भी लगी हुई है अपने साथ काम करवाने में। तो गाइस, इसको आपको एक बार मैं दिखाता हूँ डायरेक्ट इस पाइप में लगा के, कि दोनों किस
तरह क्लीन हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो गाइस देख लीजिए, काफ़ी दूर तक जो है इनकी वो जा रही है। गाइस जो दोनों अपने वॉशर थे वो हो चुके हैं अपने कंप्लीट, और उनकी सेटिंग भी मैंने कर दी है। तो गाइस चलिए आपको दिखाता हूँ कैसे कुछ उनका अब वाटर थ्रो आ रहा है। तो गाइस देख लीजिए, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो गाइस YouTube पे ये वीडियो नहीं थी जिसके कारण मुझे काफ़ी दिक्कत हुई है, बट गाइस आपको ये दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि अब वीडियो में मैंने अच्छे तरीके से बिल्कुल डिटेल में समझा दिया है कैसे कुछ इसकी जो भी इसकी वायरिंग व पाइपलाइन है, जो भी इसके पार्ट्स है वो कैसे खुलते हैं। तो आप भी अब इसलिए इसको घर में ही ठीक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अब इसके वाइपर लगाते हैं और करते हैं वीडियो को कंप्लीट। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते ही रहिए मेरी ऐसी नई नई वीडियो।